और रेलाई चालू रहेगा। स्टालिन के बेटा जी ने क्या बोला था आप सभी को पता है। कोई नेता बिहार में बोलता है कि इतना को रोजगार देंगे, कोई नेता बोलता है आपका घर बनवा देंगे, कोई नेता बोलता है आपका रोड बनवा देंगे, अगर वो नहीं बनवा पा रहा है तो वो भी झूठ हुआ। और उसके ऊपर भी वही धारा लगना चाहिए जो मेरे ऊपर इन लोगों ने फर्जी में लगाया। और सीबीआई जांच का मांग मैं अपने केस के लिए करूंगा। मैं अपने केस के लिए यहाँ पे नहीं आया हूँ, उसके ऊपर हम लोग बाद में बात करेंगे। मैं बस बिहार के और देश के युवाओं को दिखाना चाहता हूँ कि ये देख लो ऊंचा पहाड़, और ये देख लो पहाड़ के बीच में जो रास्ता है ना, वो एक बूढ़ा आदमी दशरथ मांझी अकेले छेनी हथौड़ी से तोड़े हैं। गांव के लोग साथ नहीं दे रहे थे उस समय, पागल कहते थे उनको। जाके फिल्म देख लेना, मांझी द माउंटेन मैन में सारा उनका कहानी दिखाया गया और फिल्म बना के उनके परिवार वालों को पैसा तक नहीं दिया गया। 2% उनके बेटा देने के लिए बोला। अच्छा, उनके बेटा जी बोल रहे थे कि मनीष कश्यप आ रहे हैं, उनसे उम्मीद है कि वो हमारे पैसे को वापस दिलाएंगे और वो दिलवा सकते हैं। पर्यटन स्थल है, यहाँ टॉयलेट तक नहीं है, पर्यटन स्थल है। बता देना चाहता हूँ कि सिर्फ एक ऐसा ही मांझी परिवार नहीं है, बिहार में ऐसे करोड़ों मांझी परिवार हैं जो समस्या में ही पैदा हो रहे हैं, समस्या में ही जीवन जी रहे हैं और समस्या में ही मर जा रहे हैं। तो आइए ना इस समस्या को जड़ से उखाड़ के फेंक देते हैं। आप आज यहाँ पहुंचे हैं लेकिन पूरे बिहार में संदेश क्या दीजिएगा? यहाँ आने का जो संदेश है बस क्या है? नेवर गिव अप। क्यों नेवर गिव अप? कभी हार मत मानो, आज जब तक तोड़ेंगे नहीं और चाहे कितना भी बड़ा भ्रष्टाचार रूपी पहाड़ काहे ना हो जाए, तोड़ देंगे एक दिन। हिमालय से भी बड़ा काहे ना हो जाए, उसको छेनी हथौड़ी लेके धीरे 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 एक ना एक दिन हम लोग तोड़ देंगे। इसलिए मैं जेल से निकला और जेल से निकलने के बाद 150 किलोमीटर दूर ये यहाँ पे गांव में आ गया। मैं अपने घर पे नहीं गया, ये पटना से अपोजिट डायरेक्शन में है और मेरा घर पटना से उस साइड में है। अब यहाँ से मुझे अपने घर जाने में कम से कम 7-8 घंटा लगेगा और फिर मैं जाऊँगा अपनी माँ से मिलूंगा। और बस इतना ही कहूँगा कि दुनिया में सबसे ताकतवर माँ होती है। जिस दिन आप लोग अपनी माँ का ताकत को पहचान लेंगे, उस दिन जो है आप लोग जो है इंसान बन जाएंगे। मनीष कश्यप भावुक हो रहे हैं। के साथ साथ हम सही बिहारियों ने बहुत आंसू बहाया है। नहीं सिर्फ मेरी माँ का आंसू आप लोग मत पूछिए। बस बिहार के लोग इतना याद रखे, बिहार के युवा इतना याद रखे कि आपका डीएनए शेर वाला डीएनए है। याद रखिए, आपका डीएनए जो है कुर्सी पे बैठ के बिहार को दीमक की तरह चाटने वाला डीएनए नहीं है। तो अगर शेर वाला डीएनए है तो आपके आंखों के सामने कोई भी माँ जो है ना आंखों से आंसू ना गिराए, इस बात का आप लोग ख्याल रखिएगा कि उस माँ का आंसू अगर जमीन पे गिर गया उसके पहले आपका हाथ आना चाहिए उसके आंसू को पोंछने के लिए। मांझी जी के परिवार को न्याय मिलेगा? मांझी जी के परिवार को मनीष कश्यप न्याय नहीं दिला सकते हैं जब तक पूरा 12 करोड़ बिहारी साथ नहीं दे। उनको अगर 12 करोड़ बिहारी साथ दीजिए उनको, तो हम लोग एक सिर्फ मांझी जी के दशरथ मांझी जी के परिवार को ही नहीं, हम लोग देश के सभी मांझी जी के परिवार को इंसाफ दिला देंगे। अरे माइक कबो नहीं छोड़े, वो माइक चाहे पत्रकार का हो चाहे वो नेता का, माइक माइक है बस। आ रेलाई चालू रहेगा।